हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए आई हूं बहुत ही डिफरेंट और नया नाश्ता, जो कि हम बनाएंगे आलू और बेसन के साथ। डिफरेंट तरह का नाश्ता है, एक बार बना के देखिए, काफ़ी टेस्टी बनता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 1 कप बेसन, या फिर जिसको हम चने का आटा भी कहते हैं। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसमें डाल देंगे थोड़ा सॉल्ट और इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि जिसमें इसमें लम्स ना आए। ये देखिए, हमने इसको बेसिक खोल लिया है और एकदम स्मूथ बैटर बना है। और अब हम इसमें और पानी डालेंगे। तो 1 कप बेसन के लिए आप इसमें 3.5 से 4 कप पानी डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखी है, काफ़ी फ्लोई कंसिस्टेंसी है। और आइए अब हम इसको कुक करेंगे। इसको कुक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन गरम किया है और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। करीब 1 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। हम अपने बेसन के मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तेल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल पे रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे और आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में ये काफ़ी थिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, मिक्सचर अब काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है। हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसको हमें अच्छे से थिक करना है जब तक ये कढ़ाई के साइड्स ना छोड़ने लगे। कोशिश करके आप इसको नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं, क्योंकि ये सादी कढ़ाई में कई बार चिपक जाता है। ये देखिए, हमारा मिक्सचर अब काफ़ी थिक हो गया है। और ये देखिए, साइड में अगर आप इसको ऐसे करें तो अच्छे से इसने कढ़ाई के साइड्स भी छोड़ दिए हैं। इस टाइम हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और मिक्सचर को काफ़ी ठंडा हो जाने देंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, पर थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। हमारा बेसन का मिक्सचर अब हल्का ठंडा हो गया और हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे ये प्याज। तो एक छोटा प्याज है जिसको बहुत महीन महीन काटा है मैंने। इसमें डालेंगे 1 कप उबला हुआ और ग्रेट किया हुआ आलू। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया महीन काट के। और अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों से इसको अच्छे से सब सामान को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बेसन का मिक्सचर है पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है अभी। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। और आइए हम इसको एक प्लेट पे फैला के ठंडा करेंगे। अभी हम यहाँ पर एक इस तरह की थाली या प्लेट ले लेंगे स्टील का। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसको ग्रीस करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपकी प्लेट है वो बहुत अच्छे से ग्रीस्ड हो। तो ऊपर तक इसको अच्छे से ग्रीस करें ऑयल से। और अब हम ये बेसन का मिक्सचर इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको इस प्लेट पे बहुत अच्छे से एक मीडियम थिन लेयर बनानी है, बहुत मोटी लेयर नहीं बनाएंगे। और इस तरह से स्प्रेड कर देंगे पूरे में। ये देखिए, मैंने इसको एकदम एक सा और चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। और अब हम इसको फ्रीज़र में डालेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए, अब करीब 20 मिनट हो गए हैं और मैंने इसको निकाल लिया है फ्रीज़र से और ये बहुत अच्छे से जो है सेट हो चुका है। तो हम एक नाइफ़ लेंगे और इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे और इस तरह से हम इसको दूसरी साइड से भी कट करेंगे। और ये देखिए, अब हम इस तरह से इसको चाकू डाल के निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह का कुछ ये शेप तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, हमने इनको निकाल दिया है और आइए हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पैन में मैंने करीब 4 से 5 टेबलस्पून तेल डाला है। और अब हम अपने बेसन के स्क्वायर्स इसमें रख देंगे। और अब हम इन्हें एकदम दोनों साइड से एकदम क्रिस्प होने तक सेकेंगे। इनको सेकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, हम इन्हें पलट देंगे। ये देखिए, क्या बढ़िया ब्राउन हो चुके हैं, नीचे से क्रिस्प हो गए बिल्कुल। हम एक बार इनको फिर से पलटेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और इनको सर्व करिए आप चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ। बहुत यमी बनते हैं, डिफरेंट टाइप का स्नैक है। ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।